सो हेलो गाइस, कैसे हो और आप सब लोग? स्वागत है आपका चैनल के एक न्यू वीडियो में। तो गाइस, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आप हायाटो कैरेक्टर में कुछ ऐसी स्किल्स या एबिलिटीज डाल सकते हो जिससे आप रश पुश या एवरीथिंग यू डू इन फ्री फायर। तो गाइस, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, जाके सब्सक्राइब कर दो। बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट नहीं करा तो जाके कर दो। और जिसे भी कुछ क्वेरी या प्रॉब्लम आती है वीडियो के थ्रू तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछना। तो गाइस, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलता हूँ मैं अपने कैरेक्टर सेक्शन में। तो गाइस, जिसे भी अभी तक हायाटो की एबिलिटी पता नहीं चली है, मैं सबसे पहले हायाटो की एबिलिटी एक्सप्लेन कर देता हूँ। हायाटो की एबिलिटी ऐसी एबिलिटी है, अगर सामने वाले बंदे ने मैक्स लेवल वेस्ट भी पहना हो तो वो उससे ज़्यादा डैमेज पहुँचाएगा एज़ कम्पेयर टू अदर कैरेक्टर्स। बट कंडीशन ये है, अगर आपकी HP 180 हुई, जैसे आप देख सकते हो 10% HP डिक्रीज्ड, अगर आपकी 200 में से 180 HP बची है और 20 HP माइनस है तो कोई बात नहीं, आपकी हायाटो की एबिलिटी काम करेगी। अगर आपकी 180 से ऊपर हो जाती है, जैसे 185 190, तो हायाटो की एबिलिटी काम नहीं करेगी। बट अगर 180 से कम हुई या 180 हुई तो आपकी एबिलिटी गारंटी काम करेगी। तो गाइस, पहली स्किल को करते हैं एक्सप्लेन। तो गाइस, पहली स्किल आती है हमारी हायाटो में एंड्रयू की, पलोमा की एंड केली की। तो गाइज, ये करती क्या है, अगर सामने वाले बंदे ने तगड़ी वेस्ट पहनी हो तो हायाटो तो उसे डैमेज पहुंचाएगा, बट अगर अपन ने भी, आपने भी अगर तगड़ी वेस्ट पहनी हो तो एंड्रयू उस एबिलिटी को, मतलब अपनी एबिलिटी को इंक्रीज करेगा, डैमेज को कम करेगा, जो वेस्ट का डैमेज है उसे कम करेगा। और पलोमा का आप सभी को पता ही है कि वो 180 AR MO कैरी करती है, तो देख सकते हो मेरी मैक्स से। और केली को मुझे एक लेवल और अपग्रेड करना है, और केली का इस्तेमाल आप सिर्फ रश करने के लिए ही कीजिएगा, और अगर आप सर्वाइवर हैं या जोन टू जोन चलते हैं तो भी आप केली का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो करता हूँ मैं आपको दूसरी एबिलिटी, तो गाइस डालता हूँ मैं इसमें दूसरी एबिलिटीज। EP एंड कैरोलाइन। तो गाइस, ये एबिलिटी उन बंदों के लिए है जो पूरी तरह रश करके खेलते हैं, मतलब 1% भी उन्हें सर्वाइव नहीं करना रहता है, उन बंदों के लिए एबिलिटी है। जैसे आप किसी घर में उतरे तो आपके पास कोई गन नहीं रहेगी, तो आपको मदद करेगा क्ला। तो देख सकते हो क्ला अभी मेरा लेवल 5 का है, मतलब वो अराउंड 400 का हेडशॉट दे सकता है और बॉडी डैमेज 80 का दे सकता है। और EP की देख सकते हो गाइस, EP अगर आपके पास मेडिकेट नहीं हुई और आपने किसी को किल कर दिया तो आपको एक्स्ट्रा EP मिलेगी, जो आपको धीरे धीरे HP में कन्वर्ट होती जाएगी। प्लस कैरोलाइन की एबिलिटी अगर आप शॉटगन प्लेयर हैं तो आप कैरोलाइन की एबिलिटी रखिए, वरना आपके लिए मैं सजेस्ट करूंगा आप केली ही रखिएगा। देख सकते हो केली फास्ट प्लेयर्स के लिए होती है, अगर इन एबिलिटीज़ को आप सर्वाइव में यूज़ करोगे तो आपका कुछ मतलब नहीं रहेगा, बट अगर आप रश करके खेलोगे तो आपको ये एबिलिटीज़ फुल यूज़ में आएगी। तो बढ़ता हूँ आपको अगली एबिलिटीज़ की तरफ। अगली एबिलिटीज़ है मैक्सिम, पलोमा एंड पलोमा हाँ। तो गाइज, ये एबिलिटी उन बंदों के लिए है जो फुल सर्वाइव करते हैं, मतलब अगर आप लॉन्ग रेंज में शूट करते हैं तो आपको बहुत ही डैमेज पड़ता होगा। ज़्यादातर हर एक प्लेयर को लॉन्ग रेंज में शूट करने पर डैमेज पड़ता है, या फिर शॉर्ट रेंज में जाते हैं तब भी तो डैमेज तो पड़ता है। तो ये एबिलिटी जो आप मैक्सिम की एबिलिटी देख सकते हो ग्लूटोनी, ये आपको जल्दी हील करने में मदद करेगा, या फिर आपको जल्दी मशरूम खाने में मदद करेगा, या तो आप कहीं पर भी आपको यूज़, मतलब मेडिकेट, जैसे आपकी हेल्थ कम हुई तो आपको फास्ट मेडिकेट लगाना पड़ेगा, तो आप 0.5
समथिंग कुछ करके या 5 या 6 सेकेंड्स 0.5 या 6 सेकेंड्स से आपको जल्दी हील करेगा। और पलोमा की एबिलिटी आप सभी को जानते हो, 100 AR 80 AR के मो कैरी करती है। और कैली की अगर आप जैसे लॉन्ग रेंज में फाइट लेते हैं और आपको डैमेज पड़ा तो आपको पोजीशन चेंज करनी पड़ती है, तो उसके लिए आपको स्पीड की ज़रूरत रहती है, तो आपके लिए यहाँ पर कैली बहुत अच्छी रहेगी। या फिर आप अगर लॉन्ग रेंज में फाइट करते हैं तो आप ज़्यादातर जोन में ही, जोन के बाहर ही होते होंगे, आपको सामने प्लेयर दिख जाता होगा जिससे आप शूट कर रहे हो। अगर मान लीजिए जोन बहुत नज़दीक आ गया है, आपने सामने वाले एनिमी को मार दिया, बट आपकी स्पीड इतनी तेज़ नहीं हुई कि आप जोन के अंदर जा सकते, तो आपको यहाँ पर आ सकती है कैली की एबिलिटी बहुत अच्छे से काम। तो बस अगर आपको ये एबिलिटीज़ पसंद आती है तो गाइस जल्दी से जाओ इन्हें ट्राई करो और मुझे कमेंट में आके ज़रूर बताना कि आपको ये एबिलिटीज़ काम आई या नहीं आई। तो गाइस चलता हूँ और मिलता हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय। बट मैं आपको एक बार और बता दूँ, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा जाकर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल पे सेट नहीं करा जाके ऑल पे सेट कर देना, ताकि जितने भी मैं इंटरेस्टिंग फ्री फायर के रिगार्डिंग वीडियो लाता हूँ वो मैं आपके लिए लाता रहूँ और आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो गाइस बाय बाय।